इकबाल अंसारी साहब हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इकबाल साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से जो फैसला लिया गया है उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हम इससे पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि हम खुद पक्षकार हैं। हमने कोर्ट का फैसला माना, कोर्ट का सम्मान किया। पक्षकार बहुत ज्यादा हैं और भी पक्षकार कहीं जाते हैं तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए हम इससे पहले भी कहते रहे कि पक्षकार जो है बहुत लोग हैं, 25 पक्षकार हैं, 14 पक्षकार जो है हिंदुओं में है, 5-6 पक्षकार मुसलमानों में है। हम नहीं जाएंगे और कोई कहाँ जा रहा है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। जफरयाब जिलानी की ओर से कहा गया है कि दरअसल प्रशासन ने आपके ऊपर दबाव बनाया है ताकि आप इस फैसले के खिलाफ कोई बयान नहीं दें, इसमें सच्चाई कितनी है? इकबाल अंसारी साहब, देखिए, हम कोई चीज कहना भी नहीं चाहते, न इससे कोई लेना देना है। कोर्ट ने फैसला कर दिया, हमने उसका सम्मान किया। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, 70 साल हो गया, अब कोर्ट ने फैसला कर दिया, हमने मान लिया। आप किसी भी तरह के कोई दबाव में तो नहीं है? देखिए, जो कुछ जो है, चाहे दबाव हो या ना हो, हम कोई चीज खुलासा करने के लिए नहीं आए हैं। हमारा जो स्टैंड था उसको आपने हमें बता दिया, क्योंकि हम जान चुके हैं कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 70 साल हो चुका है। सारे गवाह सबूत जो है पेश करने के बाद में कोर्ट ने फैसला कर दिया, हमने उसको मान लिया। अब हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। और पक्षकार बहुत ज्यादा है, कोई कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, मेरा इस पर कोई स्टैंड नहीं। 9 पक्षकारों का जिक्र तो खुद जफरयाब जिलानी साहब की ओर से किया गया है, इकबाल अंसारी साहब, लेकिन चूंकि पूरा देश आपको लाइव सुन रहा है, आपने कहा कि मैं खुलासा करने के लिए नहीं बैठा हूं, यानी कि कुछ ऐसी बातें आपके मन में हैं जिसको आप दबाए बैठे हुए हैं, जो नहीं चाहते वो सामने आए, ऐसा क्यों? किस तरह का दबाव है? क्या मुस्लिम पक्ष, बाकी मुस्लिम पक्ष की ओर से आपके ऊपर दबाव बनाया गया कि आप भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपना बयान दीजिए, क्या इस तरह की भी बातें हैं? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो बयान दे नहीं रहे, हम तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं जी। हम इससे पहले भी कह चुका हूँ कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 70 साल बीत गया, सारे गवाह सो जो है सबूत पेश किए, कोर्ट ने फैसला कर दिया, हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। इस पूरे मामले पर, अयोध्या मामले को लेकर, अगर किसी एक परिवार ने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी है, मुस्लिम पक्ष की हम बात करें, तो वो आप हैं। इसके पहले आपके अब्बू की ओर से लड़ाई लड़ी गई, हाशिम अंसारी साहब, और उसके बाद इकबाल अंसारी जी आप लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। आपको लगता है क्या कि दरअसल उनके इस कदम से देश में अमन चैन का जो वातावरण है, क्योंकि आपने कल ही कहा कि देश में अमन चैन कायम करने वाला फैसला देश की सर्वोच्च अदालत ने दिया है, उसका हमें पालन करना चाहिए, तो फिर अब इस तरह का फैसला क्यों? वो भी 5 जजों की बेंच का फैसला था। देखिए, फैसला जो कुछ भी हुआ है, हमने इससे जो हमको कहना था तो वो कह चुके हैं। अब इस मामले में, इस बारे में ना हम डिबेट करना चाहते हैं, ना हम लाइव करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो कुछ होना था वो हो चुका है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 70 साल, सारे गवाह सबूत जो है जितना पेश कर दिया, जिस सब सारे सबूत को पेश करने के बाद में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, हम अपने घर में बैठ के मान लिए।